नमस्कार मित्रों, मैं हरिवदन चौकसी आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आने वाला समय अगर हम पहले से जान ले तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर ख़राब है तो हम संभल के चले, अच्छा है तो हम मेहनत कर ले और अच्छी पोजीशन में जा सके। तो मित्रों, आज हम देखते हैं इस वीडियो में आने वाला सितंबर महीना मीन राशि के लिए कैसा साबित होगा। मित्रों, आने वाले सितंबर महीना में आपकी शुरुआत थोड़े से खर्चों से हो रही है। शुरुआती दौर में आपको खर्चा करना पड़ सकेगा, भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। तो मित्रों, इस शुरुआती दौर में अगर ऐसा होता है तो हम थोड़ा सोचते हैं कि भाई पूरा महीना कैसा जाएगा। मित्रों, शुरुआती 10-12 दिन आपके लिए सच में तकलीफ वाले रहने वाले हैं। कोई काम आपका आसानी से पूरा नहीं हो सकता, कोई ना कोई तकलीफें हो सकती है। बच्चों के कामों में भी तकलीफ हो सकती है, अपने परिवार के कामों में भी रुकावटें हो सकती है, परिवार में मन मोटाव तक हो सकता है, बुज़ुर्गों की तबीयत बिगड़ सकती है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान से देखनी है और इस समय बहुत शांत मन से निर्णय करके आपको आगे बढ़ना है। मित्रों, 14 सितंबर के बाद जो गुरु की चाल बदलेगी उसमें भी आपको थोड़ा संभल के चलना है। जैसे जैसे दिन आगे चलेंगे वैसे वैसे आपकी चिंताएं बढ़ती हुई दिख रही है, थोड़ी सी भागदौड़ भी बढ़ जाएगी, कोई नया काम खोजना पड़ेगा, नौकरी में रुकावटें होती दिख रही है। मित्रों, बिजनेस तो फिर भी ठीक ठाक रहेगा, सीजनल बिजनेस भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आपको काम में बिगाड़ ना हो, आपका भरा हुआ माल बिगड़े नहीं बारिश की वजह से या कोई और तरह से, तो इसका ध्यान आपको हमेशा बनाए रखना है। करीबन 20 सितंबर के बाद धीरे धीरे वापस आपकी लाइन धीरे धीरे सेट होती दिख रही है, तो इसके बाद आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी और आप अपना काम वापस सेट कर पाओगे। मित्रों, लेकिन इस समय में आपको संभलना है, आपके लिए एकदम से रास्ता खुला हुआ नहीं दिख रहा है। अच्छी थोड़ी आपको मदद भी मिल जाएगी, आप काम भी कर सकेंगे और आगे भी जा सकेंगे, लेकिन आपको संभल के चलना, ये ध्यान रखना। इसके बाद आपको आपके कामकाज में थोड़ी सरलता मिलेगी तो उसमें आप आगे बढ़ पाओगे, लेकिन एकदम दौड़ना नहीं है, धीरे से संभल के आगे चलना। इसके बाद आपके परिवार में कुछ मन मोटाव होगा तो उसमें से भी आपको निकलना पड़ेगा, बुज़ुर्गों की तबीयत संभालनी पड़ेगी, ये सब चीज़ आपको देखनी है। मित्रों, लेकिन 20 सितंबर के बाद धीरे 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 वापस आपका जीवन ठीक होता जाएगा। अब हर तरफ से आपको कोई ना कोई मदद देने वाला मिल भी जाएगा और आप अपना काम कर भी पाओगे। व्यापार में छोटा मोटा काम मिल जाएगा, सीजनल बिजनेस वाले को सीजन के हिसाब से कामकाज मिल जाएगा, तो ये सब थोड़ा आपको सुकून देने वाला समय शुरू होगा और सितंबर के आखिर तक में आप धीरे धीरे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस समय में आपके दोस्त आपके लिए सहायक साबित होंगे, ये लोग आपको सहाय भी करेंगे और आपका साथ भी देंगे, तो इस समय के लिए आपको इन लोगों का शुक्रिया भी आपको करना पड़ेगा। तो मित्रों, ये सब धीरे धीरे जीवन में बदलाव आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर हम पहले से जान लें और संभल कर चले तो कभी भी हमें तकलीफ नहीं होती है। तो मित्रों, अब देखते हैं आज के उपाय। आपको अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरु के दान करने चाहिए, केसर का टीका या हल्दी का टीका करके आपको निकलना चाहिए। किसी पंडित जी को आप केसर वाला दूध मिश्री मिला के पिला सकते हो, इससे भी आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। तो ये सब उपाय कीजिए और अपना ये जो थोड़ा सा हल्का समय है उसको संभाल के निकाल लें और जीवन में आगे बढ़े। तो मित्रों, ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फेसबुक देखने वाले को लाइक और शेयर करना पड़ेगा, यूट्यूब देखने वाले भी शेयर करें ताकि किसी और को भी ये सब जानकारी मिलती रहे। तो मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करो, शेयर करो, यूट्यूब देखने वाले सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो मित्रों, मैं हरिवदन चौकसी आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं नए वीडियो में अगले महीने में नई जानकारी और उपायों के साथ। तो चलो बदल दे जिंदगी। नमस्कार मित्रों।